नमस्कार साथियों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमोर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे ऐसे पौधे के बारे में जो बारिश के दिनों में हर जगह उग जाता है। जी हाँ, पवार। पवार जिसे कि चक्रमर्द, फिटिड, केसिया या सेन्ना टोरा कहा जाता है, यह फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है। यह जितने भी उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं उन जगहों पर बारिश के दिनों में बहुतायत से उगता है। इसके जो बीज रहते हैं वह लघु, रुक्ष, कटु, विपाक, उष्णवीर, कफ और वात का नाश करने वाले। जिन लोगों को त्वचा से संबंधित कोई रोग है और उसके कारण त्वचा मोटी हो गई है, उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छा होता है। आधा सीसी सिर दर्द है तो बीजों को कॉफ़ी के रूप में सेवन करें। त्वचा से संबंधित रोग है तो बीजों को नींबू के रस में पीसकर लेप करें और पत्तों का साग बनाकर खाएं। एक्जिमा वालों के लिए 1 किलो बीज 2 लीटर गाय के दूध में पका लें, फिर इसमें 200 ग्राम गाय का घी, 20 ग्राम गंधक चूर्ण मिला लें और दूध के जल जाने तक आंच पर पकाते रहें और फिर इसे ठंडा करके सुरक्षित रख लें। जब लगाना हो तो तांबे के पात्र में लेकर खट्टा दही डालकर इस मिश्रण को मिलाकर रख दें। दूसरे दिन इसे लगाएं। तो वर्षों पुरानी आपकी एक्जिमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगी। अब इसके पत्तों की बात करते हैं। पत्ते जो कि लघु, वृक्ष, शीतवीर, पीड़ानाशक, कृमिनाशक और हृदय को रक्त पहुंचाने वाले होते हैं, इसलिए जब बच्चों के दांत निकल रहे हों तब उनको हरे पीले दस्त या बुखार आ रहा है तो उस समय उदर की शुद्धि करना पड़ता है, तो इसके लिए पत्तों का काढ़ा पिलाएं। यदि किसी भी तरह का घाव है, संधिवात की समस्या है या कोई फोड़ा है तो उसके लिए पत्तों की पुलटिस बनाकर थोड़ा सा गर्म करके बांध लें। टॉन्सिल्स वालों के लिए पत्ते, कच्ची फिटकरी, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा पानी, इन सबको पीस लें। छोटी छोटी टिकिया बना लें और इन टिकियाओं को थोड़ा सा गर्म करके गांठों पर बांध लें। फूल, फूल बहुत शांतिदायक होते हैं, इसलिए फोड़े के पकने पर जो दर्द या बुखार आता है तो फूलों को पीस कर गर्म पुलटिस बांध लें। जड़, यदि ब्लड प्यूरिफाई करना है और आपको अपने आप को बलिष्ठ बनाना है तो इसके लिए जड़ों को साफ धोकर उसका जो पाउडर है बना लें, फिर 4 ग्राम पाउडर को 20 ग्राम घी 10 ग्राम मिश्री के साथ मिलाकर सेवन करें। व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है उसके लिए जड़ को चावल के धोवन के साथ पीस कर छान कर लें। जानकारियाँ अच्छी लगी ना, तो फिर लाइक कर दीजिए ना, शेयर भी कर दीजिए अपने वालों के साथ और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा आगे की जानकारियों के लिए। चलिए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।